आपको पता है कि हुक मैन्युफैक्चरिंग एक कम लागत का बिजनेस है जिसे हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हुक गारमेंट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, कपड़े बनाने वाली कंपनी से लेकर बूटी टेलर्स और लेडीज ड्रेस मेकर के द्वारा इसका यूज किया जाता है जेंट्स, लेडीज और बच्चों के कपड़ों को तैयार करने में। इसलिए हम कह सकते हैं कि हुक एक बहुत ही जरूरी और कॉमन टेलरिंग आइटम्स है गारमेंट इंडस्ट्री का, और आप इसका बिजनेस पार्ट टाइम या दूसरे बिजनेस के साथ साथ इसकी भी शुरुआत कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ आप इस बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से कमरे से केवल 2 लाख से 2.5 लाख रुपए में बड़ी आसानी से कर सकते हैं और हुक को तैयार कर काफी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम अपना ब्लाउज हुक या दूसरे टाइप के हुक का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से जरूरी रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स और मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे हुक को तैयार कर सकते हैं और कैसे मार्केट में सेल कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत के लिए आपका पढ़ा लिखा होना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। कोई भी इंसान थोड़ी बिजनेस की बेसिक नॉलेज के साथ इसकी शुरुआत कर सकता है और इसके लिए कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ब्लाउज हुक को तैयार करने का प्रोसेस काफी आसान है क्योंकि सारा काम हुक मेकिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। इस बिजनेस की शुरुआत अपने घर से कमरे से कर सकते हैं और इससे आपका रेंट का खर्चा या फिर आपको दूसरी जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही साथ आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प ले सकते हैं ब्लाउज हुक या दूसरे तरह के हुक को तैयार करने में। दोस्तों ब्लाउज हुक को तैयार करने के मेन रॉ मटेरियल होता है वो है कॉपर और स्टेनलेस स्टील वायर, और बाजार में अभी कॉपर वायर का प्राइस 400 से 500 रुपीस पर केजी और स्टील वायर का प्राइस 60 से 75 रुपीस पर केजी के आसपास है, और इससे तैयार हुक बाजार में 150 से 160 रुपीस पर केजी के हिसाब से होलसेल में बिकते हैं। वैसे बाजार में अलग अलग क्वालिटी और टाइप के कॉपर और आयरन वायर उपलब्ध हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं, यानी जैसा आपको ऑर्डर मिले उसके हिसाब से। वैसे नॉर्मली ये 20 से 21 गेज आयरन वायर या स्टेनलेस स्टील वायर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको तैयार हुक को पॉलिश करने के लिए कुछ केमिकल जैसे विनेगर, बेकिंग सोडा इत्यादि की भी जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा आपको अपने तैयार हुक को पैक करने के लिए आपके नाम से प्रिंट प्लास्टिक की पन्नी या पेपर बॉक्स की भी जरूरत पड़ेगी। और एक बात का ध्यान रखें कि आपकी पैकेजिंग काफी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपकी पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी आपकी सेल भी उतनी ज्यादा होगी, और आपका ये सारा केमिकल और पैकेजिंग मटेरियल 10,000 रुपीस के अंदर बड़ी आसानी से आ जाएगा। दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको केवल एक ही मशीन की जरूरत पड़ेगी जिसे ब्लाउज हुक मेकिंग मशीन कहते हैं, और दोस्तों आपको ये मशीन बाजार में 1 लाख से 1.5 लाख रुपीस में मोटर के साथ मिल जाएगी। ये मशीन ज्यादा जगह भी नहीं लेती है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस होती है, और इस मशीन को आप 1/2 HP मोटर और 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं, यानी इस मशीन को आप अपने घर की बिजली से भी चला सकते हैं। वैसे बेहतर होगा दोस्तों कि आप इसके लिए अलग से कमर्शियल बिजली का कनेक्शन ले लें जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, और आप इस मशीन के जरिए 1 मिनट में 110 से 120 पीस हुक बड़ी आसानी से बना सकते हैं। वैसे दोस्तों मशीन खरीदने से पहले आप इसकी ट्रेनिंग जरूर ले लें और आप इसे 2 से 3 दिन में चलाना सीख जाएंगे, और ट्रेनिंग के साथ ही साथ मशीन के सप्लायर से मशीन की वारंटी भी जरूर चेक कर लें। दोस्तों इस मशीन के जरिए हुक को बनाने की प्रक्रिया काफी आसान है। रॉ मटेरियल्स खरीदने के बाद आपको केवल कॉपर और आयरन वायर का रोल मशीन के सामने ऐसे सेट करना होता है कि वो घूम सके, और वायर का एक सिरा मशीन में लगा देना होता है, और उसके बाद मशीन को स्टार्ट कर दें, और उसके बाद मशीन में लगे डाई की मदद से मशीन हुक का प्रोडक्शन शुरू कर देती है, और मशीन में जैसी डाई लगी होती है वैसे हुक अपने आप बनने लगते हैं। उसके बाद आपको केवल तैयार हुक को अलग कर उसका वेट कर अपने द्वारा तैयार पैकेट में पैक कर मार्केट में बेचने के लिए भेज देना होता है, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। दोस्तों आप अपने द्वारा तैयार माल को अपने एरिया के टेलरिंग शॉप, अल्ट्रेशन सेंटर और लेडीज बुटीक को भी भेज सकते हैं। आप उनसे कॉन्टेक्ट बढ़ाएं और उनकी जरूरतों को समझें और उनके हिसाब से हुक को तैयार कर उन्हें बेचें। इसके साथ ही साथ आपके एरिया में बहुत सी ऐसी दुकानें होंगी जहां से सिलाई से रिलेटेड सारा सामान मिलता होगा, आप उनको भी अपने द्वारा तैयार हुक बेच सकते हैं। इसके अलावा आप बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्टेक्ट करें और उनको अपने तैयार माल का सैंपल भेजें और उनको अपने तैयार माल सैंपल भेज ऑर्डर लेने की कोशिश करें, और ऐसी गारमेंट कंपनियों के कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको indiamart.com और एक्सपोर्ट इंडिया की साइट से जरिए मिल जाएगी। दोस्तों शुरुआत में आप थोड़ा कम लेकिन अच्छे कॉन्टेक्ट बन जाने के बाद और आपकी प्रोडक्शन और सेल कंटिन्यू रहती है तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आप अपने बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत रजिस्टर करा सकते हैं, और इसके अलावा आपको ट्रेड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना होगा, और इसके अलावा आपको एक करंट बैंक अकाउंट भी खोलना होगा जिससे कि आप अपने बिजनेस का लेन देन कर सके, और ये रजिस्ट्रेशन आपको अपने प्रोडक्शन से पहले करा लेना चाहिए ताकि बिजनेस को चलाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।